निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से एस्टेट से संबंधित है। एस्टेट 2011 में पूछे गए प्रश्नों में से आज हम रीजनिंग के दो प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं तथा कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे भी उसी से संबंधित। जो हम आज हल करेंगे उसी से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसके उत्तर आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना है। इससे होगा क्या, क्योंकि प्रतिदिन हम चाहते हैं कि कुछ वीडियोस लेके आएँ और रीजनिंग जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सभी के लिए है, वो टोटल हम तैयारी करवा रहे हैं। 2011 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछेंगे और डेली डिस्कशन भी करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है एस्टेट से संबंधित। अगर आपको एस्टेट की तैयारी करना है तो हिंदी क्लब के प्रत्येक वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2011 में पूछे गए दो प्रश्नों को आज हल करते हैं, साथ में उससे संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ में ये वीडियो एस्टेट जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे यदि PLAY का कूट है 8123 तो RHYME का कूट है 49367 तब MALE का कूट क्या होगा। इसका कूट हमें लिखना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे M लिखा हुआ है और यहाँ देखेंगे आपका M लिखा हुआ, दोनों जगह देख रहे होंगे आप, दोनों जगह M लिखा है। तो M का मान देखिए कितना है, कितने स्थान पे है, ये काउंट कीजिए, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान चौथे स्थान पे। इधर हम देखेंगे को कितने स्थान पे है, 1 2 3 4 चौथे स्थान पे क्या है, 6 अंक है। इसमें M क्या है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब M आ गया तो यहाँ का कूट जो है 6 है, मतलब M का मान यहाँ हमें कितना मिला, M का मान यहाँ हमें 6 मिला। तो यहाँ 6 देखेंगे कहाँ को, देखें 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसी तरह A देखेंगे तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे 2 है, तो 6 के बाद क्या होना चाहिए बाबू, 2 होना चाहिए, तो 2 मिल गया मुझे। तो 6 2 अगर देखा जाए तो ये 2 दोनों में से कोई एक होगा। इसके बाद L ही है, तो ये देखिए दूसरे स्थान पर L है, तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे 1 है, तो इसके बाद क्या होगा बाबू, 1 होगा, तो 6 2 1। अब क्या है लास्ट में, ई का मान देखेंगे, ई का मान देखेंगे तो ई लास्ट में ये 7, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 2 1 7। कुछ नहीं करना था, केवल इसमें ए बी सी डी हमको खोज लेना था और उसके सामने उसका मान देख लेना था। इसके साथ ही मैं रीजनिंग में जब भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो अगर आपके पास स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए तो स्टार्टिंग में ही रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए आप ए बी सी डी जरूर लिख लीजिएगा, ऐसे करके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे करके लिख लीजिएगा। साथ में यहाँ काउंटिंग लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका उपयोग हम आगे बताएंगे कि इसका उपयोग क्या है, लेकिन ये जरूर लिख लीजिएगा। कभी कभी इसी नंबर को उठा के वो लोग दे देते हैं, इतने नंबर पे एच है को एच काउंट कीजिए, कितने नंबर, 8 नंबर पे, इसी तरह काउंटिंग के लिए दे देते हैं। इसके नंबर नंबरिंग में नीचे नंबर लिख लीजिएगा, ऊपर में ए बी सी डी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस तरह के अगर आप प्रश्न आते हैं तो निश्चित है आप सॉल्व कर लेंगे। फिर से हम बता देते हैं, एम यहाँ पे देखेंगे तो एम का मान कितना था, तो यहाँ से एम खोजिए कहाँ है, इसमें एम नहीं है, इसमें खोजिए एम यहाँ है, एम का मान कितना दिया था, 6, को वही 6 हम ढूंढ लिए, तो यहाँ 6 हमको मिल गया, सब में 6 है, इसीलिए अगला देखेंगे। इसी तरह अगला देखते जाएंगे, सबको देखने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे ही मिला एम ए एल, एम ए एल का कितना है, 6 2 1 6 2 1 मिल गया, तो आगे भी हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 8 है और यहाँ पे क्या था, 1 था, तो इसको टिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। बहुत तेजी से बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बहुत आसान सा सवाल है, इसमें देखना निम्न में से भिन्न पद पहचाने, इसमें भिन्न पद कौन है ये पहचानना है। तो देखिए कोई भी चीज ना अजूबा नहीं होता, सबसे पहले काउंटिंग कर लीजिए, 3 3 6 ये भी है, 3 3 6 ये भी है, 3 3 6 ये भी है, 3 और 3 6 सब बराबर है। वो कोई भी चीज देख के आपको तोड़ना होता है इसको, जब भी आए ना रीजनिंग में उसको कोई ना कोई नियम से उसको तोड़िए, किसी ना किसी नियम पे उसको दिया जाता है सवाल। अगर इसको देखिए ये हो गया आई, यहाँ पे अगर लगा दें जे, आई जे के, यहाँ लगा दे एल, एल के बाद एम, आई जे के एल एम, देखिए कैसे बैठ रहा है। ऐसे ही इसको देखिए, ए हो गया, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी हो गया, सी के बाद यहाँ डी लिख दिए, ई लिख दिए, सही है। अब यहाँ देखिए के है, के के बाद जे के एल, एल के बाद एम, यहाँ होगा एन ओ,
ऐसे बढ़ेगा ये। अब इसमें देखिए क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जैसे ये देख रहे हैं सबका सही है। अब इसमें देखेंगे देखेंगे यहाँ एन है, तो एन के बाद पी कैसे लिखा, आर कैसे लिखा, ऐसे भी कैसे लिखा, एक्स कैसे लिखा, ए कैसे लिखा, यहाँ देखिए एक्स कैसे लिखा, जेड कैसे लिखा, बी कैसे लिखा, एस यू डब्ल्यू, ये कैसे लिखा, इसको अब हमको परखना है। इसको परखने के लिए ठीक यही करेंगे, एम एन एन है, एन के बाद क्या होता है, ओ होता है, ये पी हो गया, यहाँ क्यू आएगा, क्यू यहाँ आर, देखिए कैसे एन ओ पी लिखा हुआ है, क्यू यहाँ छुप गया, आर आ गया, यानी एक एक प्लस किया गया है। यहाँ देखिए भी यहाँ होगा डब्ल्यू, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये होना चाहिए यहाँ पे जेड। देखा आपने कितना आसान तरीके से इसे हमने पहचान लिया, ये जेड होना चाहिए, लिखा गया है ए, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अब प्रूफ करने के लिए चलो हम जांच लेते हैं, एक्स यहाँ होगा वाई और ये हो गया जेड, सही है। यहाँ जेड के बाद क्या आता है, जेड के बाद ए, ये हो गया बी लिखा हुआ, सही है। अब यहाँ देखिए एस टी, टी के बाद यू, यू के बाद भी, भी के बाद डब्ल्यू, समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार और एग्जांपल इसको समझा देते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे मैं इसको हम केवल समझा देते हैं, बाकी सब उसी पे बेस है, केवल यहाँ पे अलग है। देखिए ये पहले दो ये फॉर्मेट में है, जैसे लिखा गया है एफ एस एच यू जे डब्ल्यू लिखा गया है ना, ये दो फॉर्मेट में है। दो फॉर्मेट में कहने का मतलब क्या, तो दो फॉर्मेट में कहने का मतलब ये कि इसको दो तरीके से लिखा गया, एक तो लिखा गया है एफ के साथ इसका कॉम्बिनेशन है और फिर इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन है, ये लगातार है एक एक को छोड़ के, और इसके बाद इसका कॉम्बिनेशन है इसका इसके साथ और इसका कॉम्बिनेशन है इसके साथ, समझ में आ रहा। जैसे F इसको अगर हटा दें तो ये हो जाएगा आपका F वाला, लिख देते हैं हम F G H A B C D E F G H I जे, ऐसे करके बढ़ता है, और दूसरा का कॉम्बिनेशन होगा एस टी यू भी डब्ल्यू, दोनों का कॉम्बिनेशन देख लिया आपने, इसका भी कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के बाद अब इसमें एक एक को छोड़ के लिख दिया गया है। जैसे एफ लिख दिया तो यहाँ का एफ ले लिया, दूसरा का एस ले लेगा, और उसके बाद एच लेगा, एक छोड़ के लेगा, एच लिया है, फिर दूसरे का क्या लिया, एच के बाद आपका एक छोड़ेगा, एक छोड़ेगा क्या बचेगा, जे बचेगा, लेकिन जे तक जाना नहीं है, कि एस के बाद इधर टी छोड़ दिया, यू ले लिया, यू के बाद क्या लिया, भी नहीं लेगा, फिर डब्ल्यू ले लिया, देखिए जो जो लिया गया है वो हमने ले लिया, जे भी लिया था, ये राजे तीन ऊपर लिया, तीन नीचे लिया, तो ये छः छः का ये कॉम्बिनेशन बना के इन्होंने लिखा है। निश्चित ही आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो इससे संबंधित प्रश्न देते हैं, समझने की कोशिश कीजिए, नहीं को नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेके आएंगे कि कैसे ये हुआ है। इसमें देखिएगा ऐसे ही बैठाइएगा तो देखिएगा यहाँ ए होना चाहिए, जेड होना चाहिए, यहाँ इन्होंने ए लिख दिया, इसलिए ये करेक्ट है, ये अलग से भिन्न है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आपको हम देने वाले हैं ये होमवर्क के लिए है, हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि ओपन का कूट है 5 6, ये 9 है इसीलिए हमने ऊपर लिख दिया, कूट है 5 6 9 4, देख लीजिए 5 6 9 4, मैन का कूट है 3 1 4, तब पी ए एम पैम का कूट क्या होगा। अब इस ये ऑप्शन है आपका, इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना है कि कौन सा होगा, पी ए एम का क्या होगा, एम इसमें ढूंढ लीजिएगा, एम का कितना है 3 है, तो आप देख लीजिए कौन सा होगा, एम का 3 होगा, ए का क्या होगा, पी का क्या होगा, हम बताने वाले नहीं हैं। निम्न में से भिन्न पद पहचाने, ये किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित है, कैसे संबंधित है ये आपको ढूंढना है, ठीक। ये जो क्वेश्चन हम समझा रहे थे उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है। ये आप थोड़ी देर हम रोक दिए हैं, इस दोनों प्रश्नों का उत्तर आप जरूर दें। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा हमने हार्ड रखा है, इसको देख लीजिए, तीसरा प्रश्न थोड़ा सा है, ओ पी एन का कूट है 15 16 5 14, मैन का कूट है इतना, पी ए एम का कूट क्या होगा, इनमें से कौन सा सही होगा। इसको थोड़ा सा हिंट्स देके समझा देते हैं। ओ पी ई एन जैसे हमने लिखा था ना, 1 2 3 लिखते हुए जाइए, आई जे के एल एम एन ओ पी, ऐसे बढ़ रहा है, 9 के बाद क्या होगा, 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे करके हम लिखते जाएंगे। अब इसमें क्या किया है हमने, ओ का क्या किया है, हमने 2 अंक ले लिया, ओ का 15,
ओका कहा गया, ओका हमने 15 ले लिया था, इसीलिए ये दो अंक है। तो थोड़ा सा हिंट्स हमने इसलिए दे दिया ताकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा तो आप इसे आसानी से बना सकें। तो इसे भी देख लीजिएगा और इसका भी हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दे। प्रश्न 3 का उत्तर दीजिए कौन सही है, प्रश्न 2 का भी उत्तर दीजिए कौन सा सही है, और प्रश्न 1 का भी उत्तर दीजिए कौन सा सही है। रीजनिंग का ये पहला क्लास है और पहले क्लास में आपके दो प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। अगर दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके आंसर देने का जरूर प्रयास करें अगर आप एसटेट की तैयारी कर रहे हैं तो। साथ में हमें ये जरूर बताएं कि इस तरह के आपको वीडियो चाहिए, डेली चाहिए तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि इसमें इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, दो क्वेश्चन को 10 मिनट में आराम से हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें हिंदी क्लब को। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।